किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में। क्या आपको आलू में आगे भाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी क्या भाव चल रहा है, और आने वाले समय में आपको प्याज का स्टॉक करना है या नहीं करना है, और कब तक अपने माल को बेचना है, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे कमेंट में लिखा हुआ मिला है कि आप आलू की तेजी मंडी रिपोर्ट बताइए, आलू के भाव बताइए। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास के घंटे के निशान पर भी बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो पूरा देखें, मैं आपको आलू के बारे में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, मैंने YouTube पर भी देखा तो आलू की तेजी मंडी रिपोर्ट, दो तीन ही तेजी मंडी रिपोर्ट पूरे YouTube में मुझको देखने को मिली, और मैंने Google पर भी सर्च मारा तो Google में हाल फिलहाल की अभी कोई खबर आलू में देखने को नहीं मिली। जो खबरें मिल रही थी वो एक साल पाँच छः महीने के पहले की खबरें मिली हुई थी, अभी आलू के बारे में कोई भी खबर देखने को नहीं मिली। तो मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से आपके लिए आलू के बारे में छोटी सी जानकारी लाया हूँ, तो आप हमारा पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू में आपको अभी तक मार्केट समान लेवल का दिखाई दे रहा है, आलू में कोई भी तेज़ी बनी हुई नहीं है। जो सभी मंडियों में इनके जो भाव हैं वो लगातार समान रूप से चल रहे हैं। अगर मैं इसकी तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं तो तेजी मंडी रिपोर्ट में क्या बता सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि अभी तक इसमें बाजार समान देखने को मिल रहा है। अगर हम आलू की बात करते हैं तो आपको कब तक आलू बेचना है या रखना है, तो किसान भाइयों, अभी हाल फिलहाल में मंडियों में सभी में एक ही भाव देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ सभी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण सभी फसलें खराब हुई हैं, लेकिन आलू की फसल पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। आलू की फसल कम खराब हुई है तो मंडियों में अभी आलू की फसलों की बहुत ही ज़्यादा आवक बनी हुई थी। आवक ज़्यादा बनी होने के कारण न तो प्याज के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ना ही तेज़ी देखने को मिली है, बाज़ार एक समान लेवल से चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आलू में अपन को आगे तेज़ी देखने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर आलू का स्टॉक कर रखा है और आप देखना चाहते हो कि आलू में अगर आगे तेज़ी देखने को मिलेगी, तो मेरे अनुमान से तो आगे तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो आलू का भाव है वो अभी तक जो चल रहा है समान लेवल से, इतना ही हमको पिछले साल और उसके पिछले साल में देखने को मिला था। तो इस समय भी ऐसा अनुमान है कि लेवल आलू में वैसा ही सामान देखने को मिलेगा जैसा अभी बाज़ार आप देख पा रहे हो। तो किसान भाइयों, आप अपने आलू का ज़्यादा स्टॉक ना करें, वो ख़राब होने की उसकी संभावना रहती है, तो अभी आप समय समय पर आलू को निकालते रहिए, क्योंकि आपको घर खर्चा भी चलाना पड़ता है, आप अपने हिसाब से आलू को निकालते रहिए। दोस्तों, फसल आपकी है, आप जिस मंडी में चाहिए इसको बेच सकते हो, आपको कब बेचनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि फसल आपकी है। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो का सारांश भी यही था कि अब आलू में बाज़ार समान चल रहा है, आगे भी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी और न ही भावों में अब गिरावट देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, मेरे से निवेदन है कि आप अपने जो आलू हैं उसको आप समय समय पर निकालते रहिए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह थी मेरी तेजी मंडी रिपोर्ट की जानकारी, जो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर करें और दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, जिनके पास भी आलू हैं वो अब आलू को निकालने लग जाए। तो किसान भाइयों, मेरे से एक और आपसे निवेदन है कि मैंने एक और नया चैनल बनाया है मंडी भाव के नाम से, तो उसमें भी मैं सभी जो फसलें होते हैं उनका भाव अपडेट करता हूँ। तो आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो धन्यवाद किसान भाइयों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।